बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए मॉल कंसर्ट। बच्चों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाइन्थ क्लास में ये आता है, नाइन्थ के बाद इलेवेंथ में आएगा। और बच्चों जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे मॉल आपको नहीं छोड़ने वाला, तो क्यों ना हम लोग आज ही इसको कर लें और अच्छे से कर लें ताकि कोई भी क्लास हो हमको दिक्कत ना आए। मॉल जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उम्मीद है आप जवाब देंगे। एज यूजुअल क्वेश्चन ही है कि दुनिया में कितनी तरह की चीजें होती हैं, कितने तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आंसर है सर पूछो दो तरह के। सर एक वो जो आंख से दिखाई देता है जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, और दूसरा जो हमको आंख से दिखाई ना पड़े। क्लियर है? जो आंख से दिखाई पड़ता है वो कहलाता है मैक्रोस्कोपिक, बड़ा। क्लियर है? और जो आंख से दिखाई ना दे वो कहलाता है माइक्रोस्कोपिक। क्लियर सर? तो माइक्रो, हम लोग ने कहा कि सर वन डजन ऑफ एग ले आइए, तो आप मार्केट जाते हैं, आपने शॉपकीपर को बोला है सर मुझे वन डजन ऑफ एग दीजिए, तो वो आपको क्या करेगा, 12 एग देगा आपको। 12 यूनिट्स ऑफ एग विल बी प्रोवाइडेड बाय द शॉपकीपर टू यू। आप दुकानदार से 12 अंडे गिन के लेंगे एंड इट विल बी इक्वल टू वन डजन। तो सर वन डजन क्या है, यूनिट है। यहां पर ये किसी भी नंबर वाले ऑब्जेक्ट को काउंट करने के काम आता है। ऐसे ही सर मॉल होता है, मॉल इज द यूनिट, मॉल इज एक यूनिट है बच्चों, जो माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज को मेजर करने का काम आता है, लाइक बैक्टीरिया, बॉडी सेल, एटम, आयन, मॉलिक्यूल। क्या आपको दिखाई पड़ते हैं? तो सवाल जवाब है नहीं। बैक्टीरिया, एटम, आयन, सेल, ये कोई भी हमको आंख से दिखाई नहीं देता है। दैट्स व्हाई इनके लिए हमको एक स्पेशल यूनिट यूज करना पड़ता है जिसका नाम है मोल। तो आइए शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट। सर विलहेल्म ऑस्टवाल्ड वाज द फर्स्ट हु गेव टर्म मोल। सर सबसे पहले विलहेल्म ऑस्टवाल्ड ने मोल कंसेप्ट, मोल वर्ड को यूज किया था, इन्होंने ये टर्म इन्वेंट किया था। उसके बाद मोल जानते हैं, मोल इज एसआई बेस यूनिट विच इज अप्लाइड टू मेजर माइक्रोस्कोपिक स्पीसीज, जो आंख से दिखाई ना पड़े, नेमली एटम और आयन और मॉलिक्यूल और सेल और बैक्टीरिया और वायरस और इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सर? ये कभी दिखाई नहीं देते हैं, तो इनको अगर मेजर करना है तो इनके लिए यूनिट की जाती है यूज मोल। आइए आगे बढ़ते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे मोल को। सवाल ये उठता है आपके यहाँ, क्वेश्चन ही बनता है कि मोल को डिफाइन कीजिए। तो आइए डिफाइन डेफिनेशन लेते हैं, डिफाइन करते हैं। वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस एज देयर आर इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12। क्लियर? आपके पास 12 ग्राम ऑफ C12 है, तो 12 ग्राम ऑफ C12 में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स बोले तो ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, तो 12 ग्राम ऑफ C12 में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे दैट विल बी नोन एज वन मोल। क्लियर है? अब सर ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, मैं एक डेफिनेशन और देता हूं, यहां पे अप्लाई करते हैं। अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज द क्वांटिटी व्हिच कंसिस्ट ऑफ वन एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल। सर मोल वो क्वांटिटी होता है जो इक्वल होता है 6.02×10²23 एटम और आयन और मॉलिक्यूल। क्या वही डेफिनेशन है जो हमने डजन के लिए यूज किया था, वन डजन वॉज इक्वल टू 12 नंबर। हम लोग बोल सकते हैं वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, बोले तो 6.022×10²23 पार्टिकल। बोलते नेक्स्ट पॉइंट, मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। बच्चों मोल को, नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। बच्चों किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए उस सब्सटेंस की अमाउंट आपको ग्राम में पता होनी चाहिए और उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम विल बी डिवाइडेड बाय एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। बच्चों डिपेंड करेगा सब्सटेंस की नेचर क्या, एटॉमिक है या मॉलिक्यूलर है। अगर एटॉमिक है तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एटॉमिक मास से। बच्चों अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो डिवाइड करेंगे गिवन अमाउंट को मोलर मास से। क्लियर है? फॉर्मूला क्या होगा, तो आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस को दिखाते हैं, एन सब्सटेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। क्या ये क्लियर है आपको? एम मोलर मास ऑफ सब्सटेंस दिखा रहा है, डब्ल्यू सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, एन सब्सटेंस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस। तो क्लियर हुआ बच्चों?